हेलो स्टूडेंट्स, हियर अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें हमने डीएनए की मींस की इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ा। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ डीएनएज रोल एज जेनेटिक मटीरियल हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसके बाद हमने एवेरी एंड अदर्स का पढ़ा। उसके बाद हमने बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जहाँ से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओके। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, मींस कि सभी में, किस किस को छोड़ के। जैसे कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे वायरस है एड्स का जो वायरस है, जैसे एंड टोबेको मोज़ेक वायरस टीएमवी एड्स है, टीएमवी है, इनमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। बाकी ऑलमोस्ट सभी में अधिकतर देखा जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं, तो हमने स्ट्रक्चर की बात करी, चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ डीएनए। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा है कि सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, एक स्विस फिजिशियन थे, फेडरिक मेशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट सेल की न्यूक्लियाई से इसको फाइंड किया था। तो इस बेसिस पर उन्होंने न्यूक्लिक नेम दे दिया था। बाद में अल्टमान नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया गया था, डीएनए इन्होंने दे दिया था, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हिस्ट्री रही हमारे डीएनए की, कुछ ऐसी थी। अब डीएनए प्रेजेंट कहाँ रहता है, डीएनए की अगर हम बात करें, लोकेशन की अगर हम बात करें, तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो जो डीएनए है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोट का जो डीएनए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। जो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए इज सर्कुलर, ठीक है। डीएनए इज सर्कुलर एंड अगर इन द साइटोप्लाज्म, और कहाँ प्रेजेंट रहता है, साइटो प्लाज्म, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर होता है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, एक प्रोक्रोमोसोम और प्लाज्मिड के फॉर्म में, ओके। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है एंड लार्जली कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस, और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से इसे न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एक जो छोटी सी क्वांटिटी होती है डीएनए की, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए आल्सो अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कौन से ऐसे दो कंपोनेंट है, कौन से दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अपना जेनेटिक मटीरियल होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। तो छोटे से अमाउंट में इनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या ऑर्गेनुलर डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनेल्स में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये सर्कुलर प्रोकैरियोट डीएनए की ही तरह होता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ सम वायरसेस टू, वायरसेस के क्रोमोसोम्स में भी डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो हमने क्या जाना, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमने कहा कि डीएनए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एक्सेप्ट एड्स टीएमवी वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। हिस्ट्री की हमने बात करी, तो जो डीएनए था वो न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था फेडरिक मिशर के द्वारा न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में इसको फाइंड किया गया था। तो इसे क्या कह दिया गया था, न्यूक्लियर डीएनए से कह दिया गया था। फिर उसके बाद अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि अब न्यूक्लियाई में मिला है तो आपने न्यूक्लिक एसिड कह दिया, लेकिन मैं इसमें आपने न्यूक्लिन कह दिया, लेकिन अब मैं इसे न्यूक्लिक एसिड कहने वाला हूँ, क्योंकि ये इसमें फॉस्फोरस ग्रुप होता है और ये फॉस्फोरस जो इसे एसिडिक बनाता है, ठीक है। तो इसे हमने दिया। तो उसके बाद बात आई कि ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये जो डीएनए है वो होता कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। तो इसमें जो डीएनए है, नॉर्मली पहले तो डीएनए होता कैसा है, दो टाइप का डीएनए हमने पढ़ा, प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक में हमें न्यूक्लियर डीएनए, लीनियर डीएनए देखने को मिलता है, जिसे न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये लोकेशन। अब क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी, डीएनए की क्वांटिटी क्या होती है, डीएनए एक
कांस्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है हर एक सेल में जिसकी भी आप बात करेंगे। तो अगर मैं डीएनए का कुछ डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको डीएनए नजर आता है। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। थोड़ा बहुत तो आप डीएनए के बारे में पढ़ के आ ही रहे होते हैं ना। तो क्वांटिटी की बात करें तो द डीएनए कंटेंट इज फेयरली कॉन्स्टेंट इन ऑल द सेल ऑफ गिवन स्पीसीज। एक स्पीसीज में सेम होगा। अगर हम ह्यूमन है तो ह्यूमन में जितना डीएनए आपके पास है उतना ही डीएनए मेरे पास भी है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंट होता है जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। हाउएवर द डीएनए अमाउंट इज डबल। तो सेल डिवीजन से ठीक पहले जो डिवीजन है सेल का, मतलब कि जो अमाउंट है डीएनए का, वो डबल हो जाता है क्योंकि उसमें से हाफ अमाउंट में कहाँ जाने वाला होता है, ऑफस्प्रिंग की बॉडी में जाने वाला होता है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे डबल हो जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए अपनी कॉपी करता है ना, रेप्लिकेशन करके नई कॉपीज बनाता है, फिर उसको ऑफस्प्रिंग तक भेज देता है, तो वहाँ पर डबल हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो देखिए केमिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, वो सबसे पहले एक्सप्लेन जो किया था वो किसने किया था, पी ए लेविनी नाम के एक साइंटिस्ट थे। पी ए लेविनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया इसका स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि डीएनए एक लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल है। लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल ये है, और साथ ही साथ लार्जेस्ट बायो मॉलिक्यूल भी ये है डीएनए। इन्होंने कहा कि डीएनए इज़ द लार्जेस्ट बायो मॉलिक्यूल, ऑल्सो द लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, और डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो डबल चेन में होता है, मतलब कि एक चेन ये है तो दूसरी चेन ये है, ठीक है। डबल चेन स्ट्रक्चर ये होता है किसकी, अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ना, तो डबल चेन जो चेन होती है इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो टाइट, और इनको क्या कहा जाता है, डी ऑक्सी राइबो टाइट यूनिट्स, ठीक है। तो डबल चेन में प्रेजेंट रहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और डी ऑक्सी राइबो टाइट के यूनिट में प्रेजेंट रहता है ना। जो दो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं, ट्विस्टेड एक दूसरे के अंदर कुछ इस तरीके से ये ट्विस्ट रहते हैं, ठीक है। मतलब कि आप इतना ही समझिए कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे रस्सी नहीं होती, रस्सी के छोटे छोटे जो रेशे होते हैं वो आपस में बिल्कुल कॉइल्ड रहते हैं ना, वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। और ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए राइट हैंडेड, राइट हैंड की ही तरफ आते हुए आपको नजर आएगा, तो राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये करता है, राइट हैंडेड होता है, और ये एक सिलेंड्रिकल स्पेस में प्रेजेंट रहता है। हर एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट होती है, इंटर्न 3 अलग अलग मॉलिक्यूल इनके पास प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन से 3 अलग अलग मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। 3 मॉलिक्यूल हैं किसके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट तो प्रेजेंट रहता है फॉस्फेट, जिसकी वजह से ये एसिडिक होता है, ठीक है। फॉस्फेट जिसे कि PO4 कहा जाता है, ठीक है। तो अब 5 कार्बन डीऑक्सी राइबो सुगर एंड नाइट्रोजन, और दूसरा क्या रहता है, सेकेंड वन 5 कार्बन, फर्स्ट तो ये है, सेकेंड है 5 कार्बन डीऑक्सी राइबो सुगर, और थर्ड वन नाइट्रोजिनस बेस। मतलब कि जो अगर हमने क्या पढ़ा, जो डीएनए है लार्जेस्ट बायो मॉलिक्यूल एज वेल एज लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन इसमें प्रेजेंट रहती है, और हर एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है। एक तो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से, 5 कार्बन डीऑक्सी राइबो सुगर से, और तीसरा मतलब 5 कार्बन मीन्स कार्बन की 5th पोजिशन में
कार्बन की फिफ्थ पोजीशन में, मतलब फिफ्थ पोजीशन में प्रेजेंट होना राइबोस शुगर का, तो ये 5 कार्बन डिऑक्सीराइबोस शुगर हमने बोल दिया। थर्ड नाइट्रोजिनस बेसिस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो क्या देता है, बेस को बेसिक नेचर देता है, इसके बेस को बेसिक नेचर देने का काम करता है जो फाइव का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गिव्स द बेस इट्स बेसिक नेचर। और जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, मे बी नाइट्रोजिनस बेस क्या हो सकते हैं, ये 9 मेंबर्ड, अब देखो ये नाइट्रोजिनस बेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये नाइट्रोजिनस बेसिस आपने ना 11th में पढ़े हैं, ये 9 मेंबर हो सकते, मेंबर्ड हो सकते हैं, मैंने 9th में भी आपको, सॉरी 11th में भी मैंने आपको बता रखा है, 9 मेंबर्ड और डबल रिंग, डबल रिंग, इनको क्या कह देते हैं, प्यूरीन, प्यूरीन पिरामिडिन आपने पढ़े थे ना 11th में, तो बस वही है, ठीक है। 9 मेंबर डबल रिंग में प्रेजेंट रहते तो प्यूरीन कह देते हैं, और प्यूरीन में क्या क्या आता है, एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन इसके एग्जाम्पल है ना, ठीक है। और दूसरा एडिनिन और ग्वानिन, और एक 6 मेंबर्ड भी तो होती है, 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग है ना, इसमें क्या होता है, थायमीन, साइटोसिन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, नाइट 3 चीज़ें तो है ही, फॉस्फेट ग्रुप उसको क्या करता है, फॉस्फो मीन्स की एसिडिटी प्रोवाइड करता है, एक 5 कार्बन मतलब ये 5-N पे डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट रहती है, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन, ठीक है। यहाँ पे पिरामिडिन लिखी है, या पायरिमिडिन भी इसे कहते हैं, ठीक है, पायरिमिडिन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इसमें प्रेजेंट रहता है। तो जो प्यूरिन होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके एग्जांपल क्या क्या है, एडिनिन और ग्वानिन, यानी कि ए एन, इसको ए से डिनोट किया जाता है, इसको जी से, और पिरामिडिन में थायमिन टी एंड साइटोसिन सी इसमें भी होता है, ठीक है। डीएनए की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे साइटोसिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी, ये तो हमारा हो गया कि 9 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, तो अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी, एडिनिन का बना के मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे हमने 11th में सब पढ़ रखा है कैसे वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, वो मैं दिखाऊंगी। तो अब ये तो हो गया, इन ईच चेन, हर एक चेन में जो फॉस्फेट कंपोनेंट है ना, फॉस्फेट कंपोनेंट कैरिड बाय द कार्बन एटम एट पोजीशन 5 ऑफ द शुगर इन वन न्यूक्लियोटाइड यूनिट इज जस्ट बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू हाइड्रोक्सिल कंपोनेंट ऑफ कार्बन। तो मतलब कि हर एक चेन में क्या होता है ना, जो फॉस्फेट कंपोनेंट है वो कैरी किया जाता है कार्बन एटम के थ्रू, कार्बन एटम तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो कार्बन एटम की पोजिशन 5 में हर एक जो फॉस्फेट कंपोनेंट है वो कैरी करके लाता है सुगर को, ठीक है। और एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट ज्वाइन होती है, और एक दूसरे से जब ये ज्वाइन होते हैं तो ये कौन से बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं, कोई ना कोई बॉन्ड तो बनता होगा ना, उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ ये जुड़ते हैं, और थर्ड पोजिशन में, एक तो फिफ्थ पोजिशन में होता है और दूसरा थर्ड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड थर्ड पोजिशन में, तो ऐसे करते करते आपने पढ़ा है ना इसकी 3-S और 5-N होते हैं, तो एक बार फिफ्थ पोजिशन में ये जुड़ता है, एक बार थर्ड पोजिशन में ये जुड़ता है, तो इसी वजह से 5-S और 3-N के 2 एंड यहाँ पे होते हैं। तो दीज 3-5-4 और ये जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये बॉन्ड्स होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक स्टिफनेस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इस चेन को, एक स्टिफनेस ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, और जो अल्टरनेटिंग सुगर फॉस्फेट जो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे को, ये बैकबोन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। किसकी, डीएनए की बैकबोन बनाने का ये काम करते हैं, डबल डीएनए के डबल हेलिक्स में, और जो नाइट्रोजिनस बेस मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइन टू द सुगर मॉलिक्यूल, सुगर मॉलिक्यूल के साथ जब ये नाइट्रोजिनस बेस जब सुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। और 3-S और 5-S के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है, उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो ये न्यूक्लियो, ये नाइट्रोजिनस बेसिस जब शुगर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे तो उसे क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कि फॉस्फेट कंपोनेंट जुड़ेगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल देंगे, शुगर के साथ जुड़ेगा तो उसे क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उसे हम कह देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलो प्यूरिन और पिरामिडिन के मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, एडिनिन देखते हैं पहले, ठीक है। एडिनिन क्या होता है, 9 मेंबर्ड रिंग है ना, जिसे हमने प्यूरिन कहा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CNH3, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड C, यहाँ से H, N, H,
डबल बॉन्ड सी हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड एन सी एच डबल बॉन्ड एन। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, नाइन मेंबर्ड, नाइन मेंबर्ड रिंग है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एडिनिन, है ना। ऐसे ग्वानिन का भी होता है, ग्वानिन भी देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। एन एस टू डबल बॉन्ड एन सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ से एन डबल बॉन्ड सी एच एन एच, ठीक है। तो ये एन एच यहाँ पे भी है, ये एन एच यहाँ पे भी है, और बस इसमें भी ऐसे होगा, एन से यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो नाइन मेंबर रिंग ये भी है, तो इसे क्या बोल दिया, ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन, ये तो कितनी हो गई, नाइन मेंबर रिंग हो गई, ठीक है। अब सिक्स मेंबर की अगर हम बात करें, तो सिक्स मेंबर रिंग क्या होती है, चलिए देखते हैं। सिक्स मेंबर थायमिन, थायमिन का स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं, सी एस थ्री डबल बॉन्ड और सी एच, और यहाँ से जुड़ता है, अब इसकी नंबरिंग यहाँ से होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, सिक्स मेंबर रिंग, एंड दिस इज नोन एज थायमिन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज साइटोसिन, हम बना रहे हैं, अब स्ट्रक्चर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतना तो ज़रूर याद रख लेना, स्ट्रक्चर याद अगर ना भी, वैसे तो होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी आपके काम आएगा, अगर ना भी हो पा रहा है तो इतना तो ज़रूर याद रखना कि प्यूरीन नाइन मेंबर्ड रिंग होता है और पिरिमिडीन क्या होती है, थ्री मेंबर्ड रिंग होती, सॉरी सिक्स मेंबर्ड रिंग होती है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं प्यूरीन के, एडिनिन एंड ग्वानिन, और इसके थायमिन साइटोसिन एंड आरएनए में यूरेसिल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अच्छा इसकी नंबरिंग करते हैं, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साइटोसिन, ये तो सिर्फ डीएनए के, अगर हम फिर आरएनए की भी बात करेंगे तो आरएनए भी क्या होता है, पिरामिडिन ही होता है, मीन्स कि यूरेसिल इसमें पिरामिडिन ही होता है, यूरेसिल जो मिलता है इसका, तो इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, देखिए एन एच बॉन्ड, अच्छा इसमें एच भी होगा बेटा, एन एच बॉन्ड, वरना वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी ना, 1 2 3 1 2 3 4, हाँ यहाँ, और ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, सब में एन एच आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, जो ये कंपोनेंट है, प्यूरीन और पिरामिडिन हमने बनाए, प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर ये है, पिरामिडिन में थायमिन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर ये है, और साथ ही साथ ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का, ठीक है। अब हमने कहा कि ये सभी मिलके क्या करते हैं, एक बैकबोन बनाने का काम करते हैं, जो नाइट्रोजिनस बेसिस मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं सुगर के मॉलिक्यूल के साथ और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो ये अल्टरनेटिव सुगर फॉस्फेट का जो बॉन्ड बनता है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, बैकबोन कह देते हैं। तो बना के देखें इसकी बैकबोन को, या फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट को बना के देखें कि ये कैसे दिखता है। तो देखिए सबसे पहली बात, उसका मतलब डायग्राम बनाने से पहले एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी होगी कि होता क्या है ना, एडिनिन और थायमिन, मतलब कि एडिनिन और थायमिन, एक पिरामिडिन, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन ही आपस में जुड़ते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल में, आपने देखा है ना, ए टी
जी सी, मतलब ये एक प्यूरीन एक पिरामिडिन, एक प्यूरीन एक पिरामिडिन आपस में जुड़ते हैं। तो ए और टी के बीच में होता है डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। इस बात को हमेशा याद रखना, द टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो एक एडिनिन और दूसरा थायमिन, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन, जिसमें कि हम एडिनिन और थायमिन की बात करते हैं, तो एडिनिन और थायमिन हमेशा डबल बॉन्ड में जुड़े हुए रहते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो देयर आर ओनली फोर पॉसिबल बेस पेयर, तो इसमें पॉसिबल बेस पेयर यही हो सकते हैं, ए टी या टी ए, जी सी या सी जी। ठीक है, सिर्फ पॉसिबल बेस पेयरिंग इतनी है डीएनए में, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो इसको एसिडिटी प्रोवाइड करता है। किसको? डीएनए को एसिडिटी प्रोवाइड करता है, न्यूक्लिक एसिड को, और दोनों ही ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं ये कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देखते हैं। देखो हमने क्या कहा, फॉस्फोरस होता है, ठीक है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ सुगर का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, मतलब कि हर बार ऐसा ही होगा। ठीक है, फॉस्फोरस के साथ सुगर का मॉलिक्यूल, फिर शुगर के साथ फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल, फिर शुगर का मॉलिक्यूल, फिर फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल, और ऐसा ही चलते रहेगा। ये तो न्यूक्लियोटाइड की चेन हमारी चलते रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल है, हमने क्या कहा शुगर के साथ ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए रहेंगे, मतलब कि ये एडिनिन ग्वानिन प्यूरिन पिरामिडिन जुड़े हुए रहेंगे ना, तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने थायमिन जोड़ा है, शुगर के साथ यहाँ पे आया और थायमिन जुड़ गया। ठीक है, थायमिन के साथ कौन जुड़ेगा, थायमिन के साथ हमेशा एडिनिन जुड़ता है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे डबल बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, और ए, और यहाँ से भी ऐसे होगा बेटा, देखो यहाँ पे भी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के सामने ऐसे फॉस्फोरस दिखा दो, शुगर ये इससे जुड़ा हुआ है, दोनों साइड से, ये दोनों साइड हम दिखा रहे हैं, शुगर ये फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पे थायमिन, थायमिन एडिनिन के साथ जुड़ा है, फिर ऐसे मैंने ग्वानिन शो किया, ग्वानिन के यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए, एच में दिखा देती हूँ, और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा ग्वानिन के साथ साइटोसिन, और ये यहाँ के मॉलिक्यूल से शुगर के मॉलिक्यूल से, मैंने गलत दिखा दिया यहाँ पे, पी के साथ नहीं ये इसके साथ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो, चलिए यहीं पर दिखाते हैं, जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है ना, तो यहाँ पे सी। ठीक है, ऐसे ही ये चलता ही जाता है नीचे तक, और ये जो बीच में जो बॉन्डिंग हमने दिखाई है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसे बोल देते हैं, है ना, और ऐसे हर बार आपको ऐसा ही नजर आएगा। ये तो हमने थायमिन और एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों का ही शो कर दिया, तो ये सब, और ये इतना ही तो होता नहीं है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो ये बैकबोन की तरह ये इसके काम करता है। ठीक है, तो इतना आया ना समझ में। अब बात करते हैं पोलैरिटी की, क्या इसकी पोलैरिटी होती है, तो जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है हमारी, ये शो करती है पोलैरिटी, यानी कि डायरेक्शंस को शो करती है। हमें पता है अभी हमने पढ़ा 5' और 3' एंड, है ना, तो ये एक पोलैरिटी को शो करती है, एक डायरेक्शन को शो करती है। वन एंड ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड 5'। एक एंड क्या होता है इसका, 5' एंड होता है। ठीक है, होता है ना, एक एंड को उसको हम क्या बोल देते हैं, 5' एंड बोल देते हैं, और द लास्ट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एट दिस एंड इज कार्बन एट पोजीशन 5'। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रैंड इज टर्न 3'। तो एक हो गया 5', दूसरा होता है 3' एंड। ठीक है, तो दो एंड इसके होते हैं, जो एक में 5'5 पोजीशन से जुड़ा होगा, एक बार 3rd पोजीशन से ये जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक बार 5 पोजीशन से, एक बार 3rd पोजीशन से, जुड़े क्या होंगे, यही एडिनिन, एक बार ये अगर 5th पोजीशन से जुड़ा है तो फिर यहाँ से कहीं फिफ्थ, ये 5th पोजीशन है ना, यहाँ से जुड़ा है तो फिर अगली बार 3rd पोजीशन से जुड़ेगा कुछ, तभी इसी वजह से ऐसे 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 स्ट्रक्चर हमारा डीएनए का हमें नजर आता है, जिग जैग मोशन। ठीक है, तो ये तो हो गई पोलैरिटी। उसके बाद वेराइटी, वेराइटी की अगर बात करते हैं डीएनए में, तो ऑल्दो ओनली 4 टाइप ऑफ बेस पेयर आर इन्वॉल्व, हमें पता है कि सिर्फ 4 टाइप के बेस पेयर डीएनए में है, एडिनिन थायमिन ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, सिर्फ 4 टाइप के बेस पेयर हमारे पास प्रेजेंट है डीएनए के मॉलिक्यूल में, तो इनके जो बेस पेयर हैं ये किसी भी सीक्वेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं, इन देयर मे बी एनी नंबर ऑफ सीक्वेंस इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि ए टी टी ए जी सी सी जी, इन ये जो बेस पेयरिंग है इसमें ये किसी में भी हो सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट वेराइटी देता है डीएनए के मॉलिक्यूल को। हाउएवर ईच इंडिविजुअल हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर इन इट डीएनए, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक स्पेसिफिक बेस पेयर होता है उसके अपने डीएनए में। ठीक है,
तो ये हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री जो है डीएनए की, जो हम बेस पेयर में हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अब जानते हैं क्या होता है इसमें। और तो है क्या ना, द टू पॉली, ये जो दो पॉली, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, ठीक है। ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, क्यों? देखो यहाँ पे थायमिन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एडिनिन का है, यहाँ पे गुआनिन का है, यहाँ साइटोसिन का है, तो आइडेंटिकल तो ये बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ये जरूर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस पेयर, ठीक है। बेस पेयर के रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जरूर होते हैं। और एक बेस पेयर, अब देखो ऐसा होता है ना, एक एक प्यूरीन दूसरे पिरामिडीन से ही जुड़ता है। देखो देखो यहाँ पे क्या है, टी और ए, एडिनिन किससे जुड़ा हुआ है, एडिनिन जो कि एक प्यूरीन है वो किससे जुड़ा हुआ है, पाइरिमिडीन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही साइटोसिन क्या होता है, साइटोसिन क्या है, एक पिरामिडीन है जो कि एक प्यूरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही तो दिखाई दे रहा है ना हमें। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि एक प्यूरीन एक पिरामिडीन से जुड़ेगा, ना कि एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से, या एक पिरामिडीन दूसरे पिरामिडीन से, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तो सभी बताएंगे आपको कि एक प्यूरीन दूसरे पिरामिडीन से जुड़ेगा, एक पिरामिडीन दूसरे प्यूरीन से जुड़ेगा, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है। एक रीजन तो इसके पीछे ये है कि जो दो शुगर फॉस्फेट, जो ये दो चेन है ना, ये दो चेन है, इनके बीच में जो गैप है ना, वो गैप बना ही इतना है, उसके बीच में गैप ही इतना है कि आप एक 9 मेंबर्ड रिंग को इसमें जोड़ सकते हो। जैसे ये है, एक तो आप इसे 9 मेंबर्ड रिंग को जोड़ सकते हो, और दूसरी इसमें जो रिंग ज्वाइंट होगी वो 6 मेंबर्ड रिंग ज्वाइन होगी, ठीक है। मतलब कि ऐसे और ऐसे इतना ही स्पेस इसमें होता है कि ये दो रिंग्स आपस में जुड़, ये दो रिंग्स आपस में जुड़ सके, एक 9 मेंबर्ड रिंग, एक 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। ना ही इसके में इतना इतनी जगह, इतनी ज्यादा जगह होती है कि 2 9 मेंबर रिंग जुड़े जुड़े, और 2 9 मेंबर रिंग जुड़ेंगे तो ये ये कम हो जाएगा, जगह नहीं है उसके पास, और 6 मेंबर के लिए जगह बहुत ज्यादा स्पेस खाली रह जाता है। तो इसलिए डीएनए का एक मॉलिक्यूल क्या रहता है, 9 मेंबर के साथ, मतलब कि एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन इसमें जुड़ा हुआ रहता है, एक 9 मेंबर रिंग जुड़ी हुई रहती है और एक 6 मेंबर रिंग इसमें जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। दूसरा दूसरा रीजन ये कि स्पेसिफिक प्यूरिन बेस पेयर विथ अ स्पेसिफिक पाइरिमिडिन बिकॉज ऑफ परफेक्ट मैच बिटवीन हाइड्रोजन डोनर, इसमें एक हाइड्रोजन डोनर है, दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो एक परफेक्ट मैच है यहाँ पे को हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर के बीच में, और ओनली एडिनिन एंड थायमिन एंड ऑल्सो ग्वानिन एंड साइटोसिन हैव टू प्रॉपर स्पेटियल अरेंजमेंट टू फॉर्म करेक्ट हाइड्रोजन, और सिर्फ एडिनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन ही आपस में परफेक्ट बॉन्ड बना सकते हैं, थायमिन और साइटोसिन नहीं बना सकते, ठीक है। थायमिन और एडिनिन ही आपस में जुड़ सकते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन भी अगर आप बोल रहे हो तो सिर्फ थायमिन और एडिनिन जुड़ सकते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ही आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था स्पेसिफिक बेस पेयरिंग का, ये प्रोवाइड करता है कि एडिनिन एक चेन में अगर एडिनिन है तो वो थायमिन से मैच करेगा, दूसरे चेन की थायमिन से वो जुड़ेगा। देखो दिख रहा है ना, अगर इस चेन में एडिनिन है तो वो दूसरे चेन की थायमिन से ही जुड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ही आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो और अगर एक ग्वानिन है तो ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से दूसरे की चेन में जुड़ेगा। तो यहाँ पे कोई एक बेस सिक्वेंस डीएनए का बन जाता है, एक बेस सीक्वेंसिंग यहाँ पे बन जाती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री चेन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, और हम इजीली यहाँ पे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि एक चेन ये है तो आप दूसरी चेन के बारे में बता दोगे सीधे सीधे। देखो मैंने बोला कि एक चेन में ए टी सी जी जी सी ए टी है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ बनाओ, अगर मैं बोलूंगी तो आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ए के साथ कौन जुड़ेगा, हमेशा टी जुड़ेगा, इसके नीचे टी लिख दो। टी के साथ कौन जुड़ेगा, ए। सी के साथ कौन जुड़ेगा, जी। जी के साथ कौन जुड़ेगा, जी के साथ कौन जुड़ेगा, सी। सी के साथ कौन जुड़ेगा, सॉरी, जी के साथ कौन जुड़ेगा, सी। सी के साथ जी, ए के साथ टी, टी के साथ ए। तो यही क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर का पूछा जाता है, आपको एक बेस पेयरिंग दे दी जाएगी, दूसरे की बताओ, कुछ नहीं करना है। हम आपको अगर पता है कि ए टी जी सी होता है तो आपको बस इतना ही करना है, ए जहां जहां ए है उसकी जगह दूसरे के लिए टी लिख दीजिए, टी है तो ए लिख दीजिए, सी है तो जी लिख दो, जी है तो सी, जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि एडिनिन, आपने नाम याद रखना है, एडिनिन ग्वानिन थायमिन
थायमिन साइटोसिन, और एडिनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, थायमिन और साइटोसिन पायरिमिडिन होते हैं, एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। मतलब इसमें तो ऐसा कन्फ्यूजन वाला भी नहीं है कि एडिनिन कहीं ऐसा नहीं होता कभी साइटोसिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा कभी हाँ ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ, थायमिन हमेशा एडिनिन के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो फिर बात आती है बेस पेयर की। द टर्म बेस पेयर रेफर टू टू बेसिस, दो बेसिस की यहाँ पे बात की जाती है डीएनए के मॉलिक्यूल में, जो कि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये बेस पेयर यही तो है, टू रिंग प्यूरिन एंड वन रिंग पायरिमिडिन, इन्हीं को बेस पेयर कहा जाता है, इन्हीं प्यूरिन और पायरिमिडिन को बेस पेयर कहा जाता है, जिसमें कि ये दो रिंग वाले होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन सिंगल रिंग वाले होते हैं। ओके, तो इनकी क्या होती है, therefore all the base pair have equal width than DNA helix as a constant diameter, तो एक constant diameter इसका होता है, ठीक है। फिर next जो term हम पढ़ते हैं इसके लिए anti-parallel direction, तो जो दो chain होती है DNA के molecule की वो opposite direction में होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, anti-parallel direction, anti-parallel direction। तो द टू रिंग्स ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल रन इन अपोजिट और एंटी पैरेलल डायरेक्शन, दिस मीन दैट द कार्बन एटम एट पोजिशन फाइव, जो कार्बन एटम जो है पोजिशन फाइव का, मतलब कि सी फाइव जो एटम है इन द शुगर, शुगर मतलब कि कोई भी शुगर आई उसमें जो फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है, उसके फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है उसमें कंपोनेंट जो होंगे एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे इन वन चेन, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में वो कहाँ जा रहा होगा, क्या बोल रहा है वो, कि दिस मीन्स दैट द कार्बन एटम पोजिशन फाइव इन द शुगर कंपोनेंट इन वन डायरेक्शन इन वन चेन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द अदर चेन, दूसरी चेन में अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक चेन में अगर यहां से आ रहा है तो अगली बार वहां इधर मिलेगा ना उसे, फिर उसके अगली बार यहां मिलेगा, फिर अगली बार इधर मिलेगा, ऐसे करते करते यहां से भी तो ऐसे ही होगा, एक अगर यहां मिल रहा है तो दूसरा इधर मिलेगा, तीसरा इधर मिलेगा, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन वो करते हैं, तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन होता है। बट फाइव डेज बट देयर फाइव डैश थ्री डैश डायरेक्शन आर अपोजिट, फाइव डैश से थ्री डैश डायरेक्शन जो होती है ये इनकी अपोजिट होती है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो आ रही है बेसिस ऑफ रेप्लीकेशन या बेसिस फॉर रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, डी एन ए का अपना ही कॉपी बनाना, जो कि इसके बाद शायद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो डी एन ए रेप्लीकेशन, अभी तो हम खाली डीएनए के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है ना बेसिस की, एंटी पैरेलल डायरेक्शन की दो चेन में डीएनए के मॉलिक्यूल की, वो प्रोवाइड करती है एक प्रिसाइज रेप्लिकेशन के लिए, एक रेप्लिकेशन डीएनए प्रोवाइड करती है ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब कि आरएनए को बनने में और प्रोटीन के बनाने में, डीएनए का डीएनए खुद को ही बनाने में, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जो इनकी चेन प्रेजेंट है, जो बेसिस प्रेजेंट है, वो इसको हेल्पफुल करती है। और यहाँ से एक साइंटिस्ट थे इरविन चारग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आता है हमारा टू और थ्री मार्क्स में, चारग्राफ रूल, चारग्राफ रूल, चारग्राफ एक साइंटिस्ट थे 1950 में, इन्होंने फॉर्मुलेट किया एक नॉर्मल जर्नलाइजेशन, नॉर्मल नहीं बहुत इंपॉर्टेंट जर्नलाइजेशन इन्होंने के बारे में बताया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया। इनका जो जर्नलाइजेशन था उनके ऑनर में, उनके ऑनर में चारग्राफ रूल उसे कह दिया गया, क्योंकि इनका नेम चारग्राफ था, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या क्या बताया था उस रूल में, बहुत ईजी रूल है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग रूल, मतलब कि मजा आता है रूल पढ़ने में। तो इन्होंने कहा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, द डीएनए मॉलिक्यूल इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स ऑलवेज हैड ए टी, ये तो हमने पढ़ा दिया, हमने हमेशा क्या होगा ए और टी, अकॉर्डिंग टू चारग्राफ हमेशा ए और टी के बीच में पेयरिंग होगी, है ना, और जी और सी के बीच में पेयरिंग होगी। लेकिन इसके साथ एक चीज उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा कि ऑलवेज हैज अ ए टी बेस पेयर इक्वल इन नंबर टू द जी सी बेस पेयर, अगर ए और टी बेस पेयर 10 है तो जी और सी बेस पेयर भी 10 ही होंगे, ऐसा इन्होंने कहा, नंबर ऑफ ए टी बेस पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जी सी बेस पेयर, इन्होंने ये कहा। ध्यान से इसको सुनना, ठीक है, फर्स्ट रूल इनका ये था। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल में इन्होंने कहा कि द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट, प्यूरिन और पायरिमिडिन भी इक्वल अमाउंट में होंगे, मतलब कि ये तो ए और टी प्यूरिन पायरिमिडिन थे ना, लेकिन दोनों प्यूरिन और दोनों पायरिमिडिन भी इक्वल अमाउंट में होंगे, मतलब एडिनिन और ग्वानिन इज इक्वल्स टू थायमिन प्लस साइटोसिन, मतलब अगर ये 80 है तो ये भी 80 होंगे, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। थर्ड रूल इन्होंने क्या दिया था, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू ऑफ थायमिन, अमाउंट ऑफ एडिनिन ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, इन्होंने कहा कि एडिनिन हमेशा थायमिन के बराबर होगा,
है ना, एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन, तो ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। थर्ड रूल, फर्स्ट रूल क्या कहा, ए और टी इक्वल्स टू जी सी, मतलब कि नंबर ऑफ अगर एडिनिन और थायमिन जितने हैं उतने ही ग्वानिन और साइटोसिन होंगे। दूसरे रूल में एडिनिन ग्वानिन जितने हैं उतने ही थायमिन साइटोसिन होंगे। थर्ड, एडिनिन थायमिन के बराबर होगा अगर एडिनिन 20 है तो ये भी 20 होगा, ग्वानिन 20 है तो साइटोसिन भी 20 होगा। फिर उसके बाद इन्होंने एक और दिया, हाउएवर अमाउंट ऑफ, लेकिन इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ए प्लस टी और जी प्लस, इन्होंने कहा कि ए प्लस टी और जी प्लस सी इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं। देखो ऐसा कहीं पे बोला उन्होंने, कहीं पे भी नहीं मिला होगा आपको। यहाँ पे बोला कि ए और टी का जो अमाउंट है वो जी और सी के बराबर होना चाहिए, लेकिन जब आप एडिनिन और थायमिन को ऐड करोगे तो जरूरी नहीं वो इन दोनों के ऐड करने के बराबर ही आए। ठीक है, तो ये इसके मेन रूल थे। और उसके बाद जो बेस रेशियो उन्होंने दिया था ए प्लस टी और जी प्लस सी का, इन्होंने कहा था कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है एक स्पीसीज में, लेकिन सेम रहेगा हमेशा जितना भी होगा। ठीक है, और एक और पार्ट इन्होंने दिया था, द डीऑक्सी राइबोज सुगर एंड फॉस्फेट कंपोनेंट जो होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। डीऑक्सी राइबोज सुगर यानी कि जो राइबोज सुगर इसमें प्रेजेंट रहती है डीएनए में वो, और जो फॉस्फेट के कंपोनेंट है वो भी हमेशा इक्वल अमाउंट में रहेंगे। ये चार ग्राफ के रूल थे, चार ग्राफ ने कुछ रूल्स दिए थे, 3, 4 एंड 5, 5 रूल दिए थे जहां पे डीऑक्सी राइबोज शुगर इज इक्वल टू फॉस्फेट। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इतना आया ना समझ में, चार ग्राफ के रूल तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीएनए का डिनेचुरेशन हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, डिनेचुरेशन 11th में भी हमने डिस्कस किया है डिनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अब होता क्या, देखो डीएनए के, अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज कर दें, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डाल दें या किसी एसिड या एल्किली की प्रेजेंस में हम इसको डाल दें, टाइट्रेट अगर हम करा दें, तो इसके तो दो स्ट्रैंड है ना वो खुलने लगते हैं, ढीले हो जाते हैं, जैसे रस्सी खुलती है ना वैसे ये खुलने लगते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन, और इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा टेम्परेचर में टूट जाते हैं और ये इनके बेस पेयर में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। तो इस प्रोसेस को कह दिया जाता है डीनेचुरेशन या मेल्टिंग। तो जब हमारे हम पढ़ते हैं ना कि क्या टैनिंग हो जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, हमारे स्किन में टैनिंग हो जाती है, तो इसी वजह से होती है, बेस पेयर खुल जाते हैं, मेलेनिन आ जाता है, मेलेनिन इसको जगह घेर लेता है। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इससे कि डिनेचुरेशन हो गया तो बॉडी खराब हो गई या ऐसा कुछ, ऐसा मतलब या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई डिजीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद जब हम डिनेचुर डीएनए को इंक्यूबेट लो टेम्परेचर पर रख देंगे तो फिर जो सेपरेट स्ट्रैंड है वापस से जुड़ना स्टार्ट कर देते हो, तो उस प्रोसेस को रीनेचुरेशन कहते हैं। डीएनए का खुलना हाई टेम्परेचर पर, डीएनए का खुल जाना डिनेचुरेशन, और कम टेम्परेचर पर डीएनए का दोबारा से जुड़ ना रीनेचुरेशन। ठीक है ना, सिंपल। देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ, सुगर और फॉस्फेट जो मैं आपसे कह रही थी ना 5' और 3' एंड से जुड़ता है, तो देखो ये कैसे 5' एंड से जुड़ा हुआ है, ये इसकी 5th पोजीशन से जुड़ा हुआ है ना, ये सुगर का मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके 5th पोजीशन से जुड़ा है। फिर देखो ये आगे चला, एडिनिन इससे जुड़ा है, थायमिन इससे जुड़ा है ना। अब देखो यहाँ पे इसके 3rd पोजीशन से दूसरा फॉस्फेट का ग्रुप जुड़ा है, फिर उसके बाद इसके 5th पोजीशन से दूसरा, ऐसे जुड़ते जुड़ते एक बार 5th, एक बार 3rd, एक बार 5th, एक बार 3rd, ये ऐसे चलता ही रहता है। ठीक है, अब आ गया होगा ना समझ में। तो अब उसके बाद एब्जॉर्बेंस की बात करें, कितना क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, तो एक इंटैक्ट डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो कम लाइट, मतलब कि एब्जॉर्ब लेस लाइट एनर्जी एज इट्स बेसिस आर पैक्ड इनटू द इंटीरियर ऑफ द डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स में पैक रहते हैं, तो जिस वजह से जो एब्जॉर्ब कर पाता है लेस लाइट एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन एक डी नेचुरल जो डीएनए मॉलिक्यूल है, मतलब कि एक बिल्कुल पैक्ड डीएनए तो कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए अगर हम अंदर होते हैं तो ये क्या करता है, मतलब कि अगर हम धूप में नहीं जाते हैं तो हमारी स्किन टैन नहीं होती है, लेकिन धूप में जाते हैं तो क्या कर देता है, खुल जाता है ना, डिनेचर हो जाता है, तो क्या कर देता है, ज़्यादा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, मेलानिन बनता है, तो वो डार्क स्किन हो जाती है। ठीक है, तो इसको हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट भी कहा जाता है, मतलब एब्जॉर्बेंस जब बढ़ जाता है ना इसका, डीएनए का एब्जॉर्बेंस जब बढ़ जाता है, लाइट डीएनए में लाइट का एब्जॉर्बेंस जब बढ़ जाता है तो उसे हाइपरक्रोमेटिक क्रोमेटिक शिफ्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब कि इट रोटेट्स द पोलराइज लाइट टू द राइट, राइट साइड से पोलराइज लाइट से राइट साइड में मूव करता है, तो इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी से कहा जाता है। तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट ही है, इससे थोड़ा ज़्यादा
इंपॉर्टेंट की तरफ अब जाते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की। अगर डीएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें ना, तो डीएनए एक एस्ट्रोवेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन, अब इसको ध्यान से सुनना ठीक है, इसमें शो करने लायक तो कुछ है नहीं, तो फिर जब डीएनए वाला देखेंगे तो सब करेंगे। जैसे ये है, तो एस्ट्रोवेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी करी थी शुगर, और सजेस्ट किया 3 डायमेंशनल कॉन्फिगरेशन ऑफ डीएनए। इन्होंने कहा कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, 3 डायमेंशनल है ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई डेंसिटी होने की वजह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एस्ट्रोवेरी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है वो एक फ्लैट रिंग की तरह इसमें नजर आते हैं, ऐसा दिखता है कि एक फ्लैट रिंग उसमें प्रेजेंट है, और कहाँ, सुगर फॉस्फेट के राइट एंगल में ये नजर आते हैं ठीक है। सुगर फॉस्फेट जो बॉन्ड है उसके राइट एंगल में ये एक फ्लैट रिंग की तरह नजर आते हैं, दिख रहा है ना, फ्लैट रिंग जैसा ये दिखाई दे रहा है 90 डिग्री एंगल में, है ना। तो इन्होंने ऐसा ही कहा कि कुछ ऐसे ये दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि ये एक के ऊपर एक कुछ प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से लगता है, दिख रहा है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर लग रहा है ना, फिर ऐसे इसके ऊपर एक होगा, इसके नीचे होगा, फ्लैट रिंग के फॉर्म में ये दिखाई देते हैं, इन्होंने ऐसा कहा। और जो सक्सेसिव बेस पेयर है वो अपीयर टू बी 0.34 यानी कि 3.4 एंगस्ट्रम एक दूसरे से जुड़े दूर हैं, ऐसा इन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने इतना आइडिया दे दिया, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, यहाँ से आइडिया लिया, थोड़ा आगे का बढ़ा, इन्होंने कहा कि फ्रैंकलिन और विल्किन ने कन्फर्म किया कि जो एस्ट्रोवेरी ने कहा था वो सही था। 1953 में इन्होंने कहा, एक्सरे डिफ्रेक्शन फोटोग्राफी इन्होंने ली जहाँ पे एक्सरेज को पास कराया गया डीएनए के क्रिस्टल से, और सजेस्ट किया गया कि डीएनए का एक हेलिकल कॉन्फिगरेशन होता है, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है अभी तक नहीं पता था ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जब भी इन्होंने पास करवाया क्रिस्टल से, डीएनए के क्रिस्टल से, तो इन्होंने एक कॉन्फिगरेशन बताया, इन्होंने कहा कि डबल हेलिकल टाइप का, या एक हेलिकल, डबल तो नहीं, हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर होगा इन्होंने कहा ठीक है। और जो हेलिक्स था उन्होंने कहा कि एक कांस्टेंट डायमीटर इसका होगा, 20 एंगस्ट्रम डायमीटर का ये होगा, मतलब कि डीएनए 20 एंगस्ट्रम डायमीटर का ये होगा, एक कांस्टेंट अलोंग इट्स एंटायर लेंथ, पूरी लेंथ के 20 एंगस्ट्रम के आसपास का ये होगा, और एक कंप्लीट टर्न, मतलब कि एक जो कंप्लीट टर्न होगा ना डीएनए का वो कितना होगा, अ कंप्लीट टर्न वॉज 3 पॉइंट यानी कि 34 एंगस्ट्रम लॉन्ग होगा ठीक है। एक इन्होंने क्या कहा, पूरी लेंथ का, मतलब जब किसने, विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने कहा कि जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसका जो हेलिक्स है वो हेलिकल फॉर्म में होगा, और इसकी जो कांस्टेंट, मतलब कि इस मॉलिक्यूल का जो हेलिक्स होगा, कांस्टेंट डायमीटर होगा, इसका डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्रम का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है, और एक कंप्लीट टर्न कितने का होगा ये भी पूछा जाता है, एक कंप्लीट टर्न 34 एंगस्ट्रम का होता है, और इसके 10 बेस पेयर होते हैं, हमारा जो डीएनए होता है उसके 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर 34 एंगस्ट्रम का क्या होती है, इसकी एक कंप्लीट टर्न की लेंथ होती है, और 20 एंगस्ट्रम इसका क्या होता है, डायमीटर होता है ठीक है। 20 एंगस्ट्रम क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन होगा उन्होंने कहा 34 एंगस्ट्रम, अच्छा ये वाला नहीं होगा बेटा, ये होगा, ये एक कंप्लीट टर्न है ना, 34 एंगस्ट्रम का ये होगा, और ऐसे यहाँ जो बेस पेयर होंगे वो 10 होंगे ठीक है, एक कंप्लीट टर्न इसका दिखाएगा, और ये जो नीचे ये वाला जो पोर्शन होगा ना, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये होगा कितना, 20 एंगस्ट्रम, इन्होंने ऐसा कहा ठीक है। तो अब इन्होंने टू, और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद ऐसा ही आगे चलता रहा, और टू स्ट्रैंड के बारे में इन्होंने नहीं बताया, इट कैन एकोमोडेट ओनली टू, अच्छा इन्होंने कहा कि सिर्फ टू स्ट्रैंड में ये हो सकता है, दो स्ट्रैंड इसके हो सकते हैं, हर टर्न में 34 एंगस्ट्रम का ये होता होगा, और डायमीटर इसका इतना होगा, और 10 बेस पेयर इसके होंगे, मतलब कि 10 बेस पेयर होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 बेस पेयर होते हैं इसके ठीक है, जो डीएनए हम पढ़ते हैं उसके 10 बेस पेयर्स होते हैं, ये इन्होंने बताया। उसके बाद पाउलिंग जो थे, पाउलिंग ने इससे, इनसे पहले पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 स्ट्रैंड होंगे ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा एस्ट्रोवेरी को के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ 2 ही स्ट्रैंड होंगे, पर टर्न में 34 एंगस्ट्रम लॉन्ग होगा, और डायमीटर 20 एंगस्ट्रम होगा, और 10 बेस पेयर इसमें होंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद पता है आपको हुआ क्या, कि जो ये इन्वेस्टिगेशन थी ना, वॉटसन और क्रिक ने कुछ भी नहीं किया था, पता है आपको, वॉटसन एंड क्रिक ने पता है कुछ नहीं किया था, या उन्होंने बहुत कुछ किया था आप कह सकते हैं, अब आप खुद ही आइडिया लगाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया था या बहुत कुछ किया था, पता है उन्होंने दिमाग लगाया था, उन्होंने क्या किया, जितने भी पुराने साइंटिस्ट हैं ना उनका सारा डेटा इकट्ठा किया कि वो कह क्या रहे हैं डीएनए के बारे में ठीक है। और 1953 में उन्होंने एक सिर्फ एक पेज का मॉडल दिया,
डीएनए के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एक पेज का मॉडल दिया, उसके लिए 1953 का नोबेल प्राइज मेडिसिन और मेडिकल का इनको मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था, डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, और इनका अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, इनका सिर्फ इन्होंने दिमाग यूज किया। यही तो करना होता है ना साइंस में, तो इन्होंने दिमाग यूज किया और इन्होंने पुराने जो एस्ट्रोवेरी ने क्या कहा, विल्किंसन और इसने तो सब कुछ तो बता दिया था, सिर्फ स्ट्रक्चर ही तो नहीं बताया उन्होंने, ये बता दिया था एक कंप्लीट टर्न जो होगा, मतलब कि 34 एंगस्ट्रम का होगा, 10 बेस पेयर उसके होंगे, 20 एंगस्ट्रम उसका डायमीटर होगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी स्ट्रक्चर बनाने में? वॉटसन और क्रिक दोनों ने इनके मॉडल को समझने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर दिया, लो भाई लैडर लाइक स्ट्रक्चर होगा, डबल हेलिकल आपने कहा था, लो हमने डबल हेलिकल बना के दिखा दिया, दो स्ट्रैंड होंगे आपने कहा था, हमने दो स्ट्रैंड बना के दिखा दिए, ये है आपके क्या किसका डीएनए का मॉडल। तो 1953 में इन्होंने किया था और 1962 का नोबेल प्राइज इन्हें मिला था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है, विल्किंसन के साथ, वॉटसन को भी मिला था और उनको भी मिला था, लेकिन दे डिड नॉट परफॉर्म एनी न्यू एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ठीक है, बट इंटेलिजेंसी इनफ ना, हमें इंटेलिजेंसी चाहिए, हमें सोचने वाला दिमाग चाहिए, जहाँ पे उन लोगों ने सब कुछ कर लिया था लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, इवन इतना बताने के बाद भी, उन्होंने इतना बताया था तभी तो वो बना पाए, उन्होंने पकड़ा उस चीज को कि हाँ ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है हम इसको बना देते हैं। तो वॉटसन और क्रिक मॉडल जो था, अब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बड़ा सा पैलर चेन है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पैलर चेन होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है एक रेगुलर इंटरवल के साथ, और जो दो चेन होती हैं स्पाइरली कॉइल रहती हैं एक कॉमन एक्सिस में, जहां पे को डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन ये करते हैं, और डबल हेलिक्स का एक कांस्टेंट डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर का, 2 नैनोमीटर को 20 एंगस्ट्रम भी कहा जाता है, ठीक है, और मेजर ग्रुप्स इसके प्रेजेंट रहते हैं 22 एंगस्ट्रम के आसपास, ठीक है, मेजर ग्रुप्स मतलब ये वाले जो पार्ट होते हैं ना ये 22 एंगस्ट्रम के पास होते हैं, और वन कंप्लीट टर्न में कितने होते हैं, एक कंप्लीट टर्न में 34 एंगस्ट्रम का लॉन्ग होता है ये, और 10 बेस पेयर इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो फेस बेस पेयर मतलब एडिनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल, ठीक है, तो इन्होंने ये कहा, और जो बेस होते हैं वो फेस करते हैं इंटीरियर को, इंटीरियर ऑफ द डबल हेलिक्स एंड स्ट्रेक 0.3 एंगस्ट्रम अपार्ट, तो जो सुगर और फॉस्फेट के जो कंपोनेंट है वो बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं बाहर साइड से, और जो हेलिक्स है नॉर्मली राइट हैंडेड होता है, राइट हैंड की साइड को ये मुड़ेगा, ये ऐसा उन्होंने कहा, एंड दैट इज इट टर्न रन क्लॉकवाइज अलोंग द हेलिक्स एक्सिस, तो हेलिक्स की एक्सिस में ये क्लॉकवाइज मतलब कि कुछ इस तरह ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना, देखो ऐसे ही तो कर रखा है मैंने डायग्राम इधर को फिर इधर, और इसका भी फिर ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ये होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होता है, यानी कि राइट हैंडेड मैनर में ये होता है, ठीक है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्विस्टेड लैडर की तरह होता है, एक सीढ़ी की तरह होता है, ट्विस्टेड मतलब ऐसे ऐसे मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह डीएनए होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में ऐसे 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 सीढ़ी बनाई जाती है ना घूम फिर आके, मतलब कि जगह जिस हिसाब से होती है, तो वो उसी की तरह होता है, सीढ़ी की जैसे ही ये दिखाई देता है, जो वर्टिकल बार्स होते हैं लैडर के वो मतलब कि ऐसे जो वर्टिकल बार्स होते हैं वो अल्टरनेटिंग फॉस्फेट और डिऑक्सीराइबो सुगर के कंपोनेंट होते हैं इधर से, और जो हॉरिजेंटल होते हैं वो क्या होते हैं लैडर में ज्वाइन रहते हैं सुगर के कंपोनेंट वर्टिकल बार में, एंड आर कंपोज्ड ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन लिंक अप बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से एक साइड से ये एक साइड से ये यहाँ पे को बीच में प्यूरिन पिरामिडिन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू उसमें जुड़े हुए रहते हैं बन गया। तो वॉटसन और क्रिक मॉडल का पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल ये था कि वॉटसन क्रिक मॉडल सिर्फ डिपिक्ट नहीं कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ही इसने नहीं बताया, बल्कि इसने ये भी बताया कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो रेप्लीकेट भी करता है फेथफुली, रेप्लीकेशन की कैपेबिलिटी भी ये है, जो आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है वो सारे क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है इन्होंने कहा, और रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल, और साथ ही साथ जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल भी रह रहा है, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन में बना तो मतलब डबल हो गया तो फिर वैसा ही रहा, और या एक जनरेशन में कम हो गया, ऐसा नहीं होगा, स्टेबल रहेगा वो, ठीक है, और साथ ही साथ जो जो इन्फॉर्मेशन है वो शो भी करेगा, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इन्फॉर्मेशन इज कंटेन इन डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी एक्सप्लेन किया गया कि डीएनए के मॉलिक्यूल में इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, कैसे उसमें प्रेजेंट रहती है। तो वॉटसन और क्रिक जो थे अवेयर थे इसके पोटेंशियल से, इनके मॉडल से, और इन्होंने एक जर्नल एक रोट इन्होंने एक चीज लिखी थी जिसमें नेचर नाम से उसमें आया था, जर्नल नेचर नाम से आया था, और स्पेसिफिक पेयरिंग जो हम पढ़ते हैं ये इमिडिएटली सजेस्ट किया गया था, एक पॉसिबल कॉपी मैकेनिज्म होती है जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल कॉपी करता है, ये यहाँ पे को इन्होंने बताया था।
ठीक है। तो ये हमने जेनेटिक मतलब ये हमने किसके बारे में जाना, डीएनए के बारे में जाना। तो थोड़ा सा और जानते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। हालांकि जेनेटिक कोड आई थिंक आपका बड़ा लेक्चर होगा या थोड़ा अच्छा लेक्चर होगा जहाँ पे आपको क्लियरली समझाया जाएगा। यहाँ पे मैं हल्का फुल्का बता रही हूँ, आगे आपका टॉपिक होगा ही, ठीक है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिक्वेंस ऑफ बेसिस इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जेनेटिक कोड होता है किसमें, मतलब कि हमने पढ़ा था ना कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जेनेटिक, या जो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कह रहे हैं वो एक ऐसा होगा जो कि कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा, उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो यस, डीएनए के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कोड के फॉर्म में लेके जाता है और ट्रिप्लॉइड कोड के फॉर्म में ही लेके जाता है। तो द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बेस इन ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नोन एज प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इनको प्राइमरी सीक्वेंस कहा जाता है और ये प्राइमरी सीक्वेंस ही क्या करते हैं, आगे जाके फॉर्मेशन करते हैं कोड का, ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है सेल को स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए, और यही प्रोटीन एमिनो एसिड्स तो होते हैं जो कोड का फॉर्म, वो 20 एमिनो एसिड मिलके ही करते हैं कोड का फॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है। तो कोड ट्रिपलेट कोड होता है और ट्रिपलेट कोड बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है, प्राइमरी बेसिस की, प्राइमरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जो कि प्राइमरी सीक्वेंस बनाते हैं। ये प्राइमरी सीक्वेंस क्या करते हैं, सेल को क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आपने प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन में एमिनो एसिड है, और वही एमिनो एसिड कोड का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या था जेनेटिक कोड के बारे में। फिर थोड़ा सा ना डीएनए के टाइप पढ़े, और हाँ एक चीज और, इसमें सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड होते हैं, या नॉन सेंस स्ट्रैंड भी इन्हें कहा जाता है। तो मतलब कि क्या होता है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट होती है बेस, मतलब कि ये दो बेसेस हैं, तो एक ही बेस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरे वाले में नहीं होगी। तो वो चेन जिसमें कि दिस चेन इज ऑफ, मतलब कि वन ऑफ द टू चेन्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, सिर्फ एक में इन्फॉर्मेशन होगी, तो जिसमें इन्फॉर्मेशन है उसे सेंस बोल देंगे, जिसमें नहीं है नॉनसेंस या एंटी सेंस स्ट्रैंड उसे बोल देते हैं, या मिस सेंस स्ट्रैंड भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द मिस सेंस चेन इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए दो चेन है उसमें, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होती है, बट डज नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये हम आगे बताएंगे, ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्री गोल्डन वर्ड आते हैं ना, रेप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये बायोलॉजी के थ्री गोल्डन वर्ड ये होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन भी होता है डीएनए का, द अ पार्ट ऑफ सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड में प्रेजेंट रहता है, जो कि कोड करता है इन्फॉर्मेशन के लिए या पॉलीपेप्टाइड के लिए, उसे सिस्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स की। तो एक तो होता है क्या, लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। लीनियर और सर्कुलर डीएनए दो, मतलब कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है दो टाइप का है, हमने पढ़ा लीनियर है सर्कुलर है। लीनियर डीएनए के फ्री एंड्स होते हैं, और ये कहाँ फाउंड होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ रहता है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के साथ, और ये ऑर्गेनाइज होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और साथ ही साथ हर एक लॉन्ग डीएनए डबल हेलिक्स का होता है। और सर्कुलर डीएनए में क्या होते हैं, इसके एंड एक साथ जुड़े हुए रहते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे सर्कुलर डीएनए, ऐसे आप समझ लो ऐसा होता है, और वो जो हमने पढ़ा हुआ तक ये लीनियर डीएनए था, ठीक है। तो ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं इसके दोनों एंड, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, और इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिस के पास भी ऐसा वाला ये यूकैरियोटिक सेल का अपना डीएनए होता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी एंड जेड डीएनए, इतने टाइप के डीएनए हमें मिलते हैं, तो इनके बारे में जाने। तो हम मतलब कि जो फाइव फॉर्म्स होते हैं डीएनए के, वो रिपोर्ट किए गए कि ए बी सी और डी, ए बी सी डी एंड जेड डीएनए होंगे, और ये बहुत ज़्यादा कन्फर्म स्ट्रक्चर हैं जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिए थे, लेकिन मतलब कि सेम ही दिखते हैं, लेकिन थोड़े से माइनर आप कहेंगे माइनर डिफरेंसेज ये देखते हैं, वेरिएशंस इसमें दिखता है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है, ठीक है, पर टर्न में। तो जो ए बी सी और डी जो फॉर्म है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो बी डी एन ए है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में लिविंग सेल में मिलता है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, और स्पेशलिटी इसकी होती है और डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ये देता है डीएनए के बारे में। ए डीएनए में 11 बेस पेयर होते हैं, तुम एक चार्ट बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, आपको इससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट बनाते हैं, कैरेक्टर एक साइड आप लिखो, कैरेक्टर ए डी एन ए, बी डी एन ए, सी डी एन ए, डी डी एन ए एंड जेड डी एन ए, ओके। कैरेक्टर लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग,
डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग। दूसरा कैरेक्टर बेस पेयर पर टर्न, थर्ड सुगर फॉस्फेट बैकबोन, फोर्थ लेंथ ऑफ टर्न। ओके, तो जो हम में होता है वो BDNA होता है, ठीक है, क्योंकि स्मूथ होता है, सभी स्मूथ होते हैं सिर्फ ZDNA को छोड़ के। ZDNA कुछ ज़्यादा ही जिगजैग पोर्शन ये दिखाने लगता है, जिगजैग फॉर्म में होता है। तो डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग देखते हैं, ठीक है। ADNA के लिए जो डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग है वो तो राइट हैंडेड है, BDNA की भी राइट हैंडेड होती है, ठीक है। CDNA भी राइट हैंडेड होता है, हमने पढ़ा था ना कि माइन्यूट चेंज होता है, बाकी तो सब सेम ही लगते हैं। ये भी राइट हैंडेड है और ये होता है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। उसके बाद बेस पेयर इसके होते हैं 11, इसके हमारे तो पता है हमें 10 होते हैं, BDNA होता है ना हमारे पास, इसके 9 होते हैं, इसके 8 होते हैं और इसके 12 होते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है ना, 10 है, 9 है, 11 है, 8, 12, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। सुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है इसकी स्मूथ है, इसकी भी स्मूथ है, सभी की स्मूथ होती है, ये भी स्मूथ, लेकिन इसकी जिगजैग मैनर में होती है, ठीक है, स्मूथ नहीं होती है। उसके बाद इसका तो कुछ पता नहीं है कि लेंथ ऑफ टर्न कितनी होगी, इसकी तो हमें पता है 34 एंगस्ट्रम होती है ना, 34 एंगस्ट्रम लॉन्ग, तो इसका भी पता नहीं है, इसका भी नहीं पता, लेकिन इसका कितना है 45 एंगस्ट्रम लॉन्ग। तो ये इस चार्ट के थ्रू भी आप DNA के सारे फॉर्म्स को ईजिली याद कर सकते हो, इतना ही तो पढ़ना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आ जाए तो आप ईजिली इसको लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, पहले ADNA लिखोगे, BDNA लिखोगे, CDNA, पहले ADNA का बेस पेयरिंग लिखोगे, बेस पेयर पर्टन इतना होता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन इतनी होती है, लेंथ इसका पता नहीं है, ऐसे करके तो करोगे, इसी में तो मार्क्स मिलते हैं आपको। बायो मतलब कि घुमा फिरा के थोड़ी ना लिखना है, टू दी पॉइंट लिखिए, एग्जैक्ट लिखिए, अप्रोसिएट वर्ड्स का यूज़ कीजिए, वो ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे, बस यही तो आपने पढ़ना है ना। तो उसके बाद हमने पढ़ना है, इसके साथ साथ बहुत सारे DNA हमें देखने को मिलते हैं जो कि इतना ज़्यादा आपके कोर्स में है नहीं, कॉइलिंग DNA या कोडिंग DNA, प्रोटीन कोडिंग DNA, DNA कोडिंग फॉर RNA, tRNA एंड स्टोन्स, ये सारी चीज़ें तो इतना पढ़ना है नहीं। तो एक और हमारा आता है फंक्शन ऑफ DNA, DNA का फंक्शन है क्या, ये हमने पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज फंक्शन पढ़ते हैं। DNA हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, मतलब इतना ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल के बारे में अब हम पढ़ के आ चुके हैं कि बिना, अगर मैं आपको नहीं भी बताऊंगी तो आप फंक्शन तो बता ही दोगे, है ना। तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर को लेके आता है पेरेंट से यंग वन, ठीक है। दूसरा, ये सेल को मेंटेन करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। प्रोटीन के सिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है ये हम आपने इसके बाद जो रेप्लिकेशन के बाद जो थर्ड टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, सेल के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, ताकि जो कैसे जितने भी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना है उनको, उन जितने भी नेसेसरी एंजाइमेटिक प्रोटीन है ना उनको सिंथेसाइज करवा के, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है RNA को, मतलब RNA प्रोड्यूस करता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, रेप्लिकेशन के, DNA रेप्लिकेशन के बाद हम ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ते हैं जिसमें RNA कैसे बनता है वो हम देखते हैं, ठीक है। और क्यों RNA की जरूरत क्यों पड़ती है हमारी बॉडी को, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें RNA की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये वेराइटी पॉपुलेशन में वेराइटी कॉज करता है, साथ ही साथ कंट्रोल करता है, कंट्रीब्यूट करता है इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन वेरिएशन आएंगे, म्यूटेशन आएंगे तो इवोल्यूशन होगा ना, इवोल्यूशन ये होता है, ये डिफरेंशिएशन सेल में डिफरेंशिएशन ले आता है डेवलपमेंट के थ्रू, और जो जीन्स होते हैं इसमें फंक्शनल रहते हैं, एक पर्टिकुलर सेल में हमेशा फंक्शनल जीन इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ये एनेबल करता है सेल को कि सिमिलर जीन ही एज्यूम हो डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिए। ये कंट्रोल करता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट थ्रू एडल्टहुड टू डेथ बाय इट्स इंटरनल क्लॉक, इसकी इंटरनल क्लॉक होती है जो कि कंट्रोल करेगा पोस्ट नेटल डेवलपमेंट को एडल्टहुड के थ्रू, ठीक है। और DNA इज द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ, हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि DNA इज द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ, और जो DNA यूज ऑफ DNA एंड प्रोटीन इन डिटरमिनेशन ऑफ इवोल्यूशनरी किनशिप में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो इंपॉर्टेंट फीचर है DNA के, अगर हम
पढ़ेंगे तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है डबल चेन में होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स इसमें प्रेजेंट रहती है, जो सक्सेसिव यूनिट्स होती हैं वो आपस में फॉस्फोट, मतलब अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसकी समरी अगर हम पढ़ें डीएनए के, तो डीएनए मॉलिक्यूल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स प्रेजेंट रहती हैं, जो सक्सेसिव यूनिट है वो ज्वाइंट रहती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ हर एक चेन में, हर एक स्ट्रैंड में, और जो सुगर फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल है वो बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं डीएनए के लिए, और जो बेसिस हैं वो प्रोजेक्ट अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हैं अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर और एक्सिस के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, और जो दो चेन है वो स्पायरली कॉइल्ड होती है, एक राइट हैंडेड फैशन में बिल्कुल स्पायरली ये कॉइल्ड रहती है और मेजर ग्रुप्स का ये फॉर्मेशन करती है, साथ ही साथ 20 एंगस्ट्रॉन्ग ये वाइड होती है, वन दैट इज मतलब कि इट्स वन कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉन्ग एंड 10 बेस पेयर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं और सक्सेसिव बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग अपार्ट ये होते हैं, और दो चेन जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के लिए विथ रिस्पेक्ट टू बेस सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस के बेसिस पे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जो दो चेन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, ए ऑन वन चेन इज जॉइन टू टी, मतलब एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और तो जो दो चेन होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो दो चेन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, एक तो क्या अलाइन 5' टू 3' डायरेक्शन और दूसरी 3' से 5' डायरेक्शन, कैसे है ये हमने पढ़ लिया, एक बार फिफ्थ पोजिशन से जुड़ रहा है, एक बार थर्ड पोजिशन से, फिर अगली बार फिफ्थ पोजिशन से, अगली बार थर्ड पोजिशन से, तो ऐसे करते करते ये क्या करता है 5' और 3' का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। और जो अमाउंट है एडिनिन और ग्वानिन का वो इक्वल होता है, मतलब एडिनिन प्लस ग्वानिन अगर 20 है तो थायमिन प्लस साइटोसिन भी 20 होगा, जरूरी नहीं कि जितना एडिनिन है उतना ही थायमिन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ए प्लस जी इज इक्वल टू ए प्लस टी प्लस सी होगा, मतलब मैं ये कह रही हूं कि अगर ये 10 है और ये भी 10 है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं ये 12 है, चलो ये 12 है और ये 8 है, तो जरूरी नहीं कि थायमिन भी 12 हो, ये 10 और ये 10+10 भी हो सकता है, मतलब नंबर इक्वल आना चाहिए, 20-20 होना चाहिए, ऐसा ये कहता है, ठीक है। और डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और हाइड्रोफोबिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन की वजह से ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डिनेचुरेशन और रिनेचुरेशन ईजिली कर जाता है, इसके जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं हाइपरक्रोमिक होते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में आते ही ये बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, ठीक है। और जो बेस सीक्वेंस है एक चेन में सेंस चेन में वो एक जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करता है, और जो डीएनए है वो विट्रो फंक्शन इससे कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस इज कंस्टेंट इन ऑल बॉडी सेल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज, एक स्पीसीज में जितने भी सेल्स हैं, एक स्पीसीज में प्रेजेंट सेल्स के सेल की सेल में सभी डीएनए का अमाउंट सेम होगा। डीएनए डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी से राइट की तरफ ये जाता है, और जो कोड होता है डीएनए कोड इज डिसकंटिन्यूअस हैविंग नॉन कोडिंग सेगमेंट भी होते हैं इसमें, नॉन कोडिंग आगे सब पढ़ेंगे हम, इनको इंट्रॉन कहा जाता है और एक्सॉन कहा जाता है कोडिंग सेगमेंट को। यूकैरियोटिक डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, हर एक स्ट्रैंड डीएनए के मॉलिक्यूल का पोलरिटी होती है 3 से 5' एंड की तरफ, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन मतलब कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डीएनए इज फंक्शनल इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में बहुत छोटा सा डीएनए ही है जो फंक्शनल होता है, और कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस मोबाइल भी हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। डीएनए के 5 फॉर्म्स होते हैं ए बी सी डी एंड जेड, और जो फर्स्ट 4 होते हैं वो राइट हेलिकल्स का बनाते हैं, राइट हेलिकल्स होते हैं, और जो लास्ट होता है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब कि जेनेटिक्स की फर्स्ट मोस्ट गोल्डन जो टॉपिक है वो हमारा आ रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए अपनी ही कॉपी कैसे बनाता है, क्या हम अपनी कॉपी बना सकते हैं, नहीं बना पा रहे ना, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट वो डीएनए क्या कर रहा है, अपनी ही कॉपी बना पा रहा है, मतलब अपना ही जैसा एक और स्ट्रैंड बना रहा है, एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको समझिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। हैव ए नाइस डे।